भाई फेस चैनल देख रहे सारे दर्शकों का तह दिलो स्वागत है। अज असी थोनों कैसे नौजवान गायक दे नाल मिलाउन जा रहे हैं जेड़ा कि VIP गाना गाउंदा है ते मॉडर्न मिर्जा भी गाउंदा है। अजिहे गायक नूं असी थोड़े रूबरू कराउन जा रहे हैं कि जेड़ा है ते नौजवान ही है पर धार्मिक गीत अजिहे गाउंदा है कि इंज लगता कि वह किसी बजुर्ग की किसी सियाने बंदे की आवाज़ है तो सियाने बंदे की सोच है। अज असी थोड़े रूबरू करावांगे सुख सिद्धू कनेडा दे नाल। इन्हां तों आपां जाणांगे इन्हां दी गायकी दे सफ़र बारे ते इन्हां दे जिन्ना भी अज तक दा इन्हां ने गाया किस तरीके दा गाया किवें गाउणा शुरू कीता है जिहियां सारियां गल्लां अज आपां इन्हां दे नाल करांगे। आओ गल करदे हां सुख सिद्धू कनेडा दे नाल। सुख जी बायफेस चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला तो मैं बायफेस की पूरी टीम का तह दिल तो धन्यवाद करदा और परमात्मा के चरणों च अरदास बेनती करदा कि परमात्मा तुहानू हमेशा लई चढ़दी कला च रखे। सुख जी आप अपने बारे गल्लां बातां शुरू करिए उस तो पहला तुसी एक गीत जिहड़ा थोड़े दिल दे बड़ा नज़दीक होवे वो साडे दर्शकां नूं सुनाओ। बिल्कुल मैं सब तो पहला धार्मिक सोंग तो शुरू करांगा और रिकॉर्ड भी होया है आसा है क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई उम्मीद कोई ना कोई आस होंदी है। कई बार किसी के पुत नहीं होंदा जां किसी नूं नौकरी नहीं मिलती वो परमात्मा के चरणों च अरदास बेनती दिलों ते किदां करदा है उहदे बोल तुहाडे सामने हाजिर कर लगे। दस जो तरीक सच्चे पातशाह आसा मेरिया करोंगे कदों पूरिया तेरे दर ते बड़े ही मत्थे रगड़े मेरिया ने बहुत मजबूरिया। दस जो तरीक सच्चे पातशाह आसा मेरिया करोंगे कदों पूरिया तेरे दर ते बड़े ही मत्थे रगड़े मेरिया ने बहुत मजबूरिया। ताने दिंदे लोक मैनू दसा कि मैं बोल तैनू सुननिया सब दियां पैंदियां पाणा तेरा मन्नी जावा नित हथ बनी जावा कंधा ना उम्मीदां दियां टैंदियां। दसा कि मैं मेरी तकदीर ना दसा कि मैं मेरी तकदीर ना कर गए हालात हेरा फेरिया। दस जो तरीक सच्चे पातशाह आसा मेरिया करोंगे कदों पूरिया आसा मेरिया करोंगे कदों पूरिया। दुख जी थोड़िया बहुत सोहना गीत सीगा ते असी कामना करते हैं परमात्मा की अरदास करते हैं थोड़िया मनोकामनावां जल्दी ही सारिया आसा परमात्मा पूरिया करे। तो सुख जी हुण ये दसो कि थोड़ा जिहड़ा गायकी का सफ़र है या गायकी का शौक है ये कदों ते किवें शुरू होया? ये शौक सी मेरा बचपन तो ते बस चलदा चलदा जिदा थोड़ा बहुत स्कूल टाइम या जिते भी मैनू मौका मिलदा सी मैं कोशिश करदा सी जां वैसे सुनना ते उस तो बाद गाउणा मेरे दिल दी बड़ी वड्डी उम्मीद सी कि मैं सिंगर बना मॉडल बना ते मैं दुनिया ते अपने माता पिता दा नाम चमकावां मेरी ये दिलों तमन्ना है ते विश्वास है मैनू उस परमात्मा ते। तो गायकी वालू पैर किमें पट्टिया भी मान लो अपनी तमन्ना से एक शौक सगा कि उम्र तो या कि एक पड़ा सगा भी जिस तो तुम गाय गायकी वालू गए? शौक के नाल नाल जो मैं देखा क्योंकि घर तो ज़्यादा इजाजत नहीं मिल रही सी तो चलो उन्होंने छड़ के फिर हौली हौली मालक ने कृपा कर दी। 2014 के मेरा गीत रिलीज हो चुका सी 13 तो मेरा रिकॉर्ड हो गया सी यामा सोंग ते वो तो बाद फिर बस चलता सफ़र फिर तो मैं लाइव लाने शुरू कर दते तो रिकॉर्डिंगा रेगुलर चल रही है जी। नहीं असी मैं ये सवाल नहीं कर रहा कि तुसी कदों रिकॉर्ड होया थोड़ा गीत मैं शुरू कर सवाल कर रहा कि पहला गीत थोड़ा जिहड़ा तुसी एक हुंदा एक बंदा स्कूल च गाउंदा। हाँ जी स्कूल च मैं एक छोटे हुंदे बच्चा गाउणा शुरू करदा है कोई पहला गीत जिहड़ा थोड़ा थोनू गायकी दे सफ़र की शुरुआत ये तो नहीं है रिकॉर्डिंग वेले तो सफ़र शुरू नहीं हुंदा ना? बिल्कुल जी सफ़र शुरू हुंदा बहुत पहला रिकॉर्डिंग का पता नहीं किन्ने सालों बाद। हाँ जी सही है उस पहला बहुत सालों की गल कर रहा मैं कदों थोनू ये शुरुआत हुई मतलब जिदा स्कूल दे विच गाउणा किहड़ी उम्र सी उदों तुसीं आ 5वीं 6वीं 7वीं दे आईडिया च मतलब स्कूल ते जदों गाउणा ठीक है ते उस तों बस गाउंदे गाउंदे इदां ही
वैसे किसी सिंगर नूं सुनना, जिदा लाभ हीरा हो गया उन्होंने सुनना, जां बलकार सिद्धू, बलकार सिद्धू के काफ़ी गीत मैनूं बड़े पसंद है जिहड़े मैं अक्सर सुनदा भी गाउंदा भी हां। लाभ हीरा जी मेरा दिलचस्पी यह मैं उच्चा गावा जिमें लाभ हीरा गाँव फोक गावा मेरे दिलों मतलब इदा दी चीज़ सी। तुसी ए गायकी नूं सिख्या है कितों के तालीम कितों हासिल कीती है तुसी? पहला जिहड़ा सिस्टम सीगा भी वह मैनूं नहीं नॉलेज सीगी हारमोनीयम दे बारे, मैं सुन सुन के जिदा गाना शुरू कर दिता। उस तो बाद मैं हौली हौली जो मैं पता लगन लगा भी नहीं यार गाना कुछ होर चीज़ है, फिर मैं मतलब हारमोनीयम सीखना शुरू किया उस्ताद बलतेज गिल जी हुणी आ बाजे खाने तो उन्होंने नाल मैं काफ़ी जागरण लाए आ, और हुण जितों भी मैनू कुछ मिलता है सीखन मैं सीखता रहना वा, तो मैं उस्ताद लोगों की बहुत इज्जत करदा है, जितों मैनू जरा भी कितों भी कुछ मिलता तो मैं सीखता रहांगा और सीखने की कोशिश करता रहांगा। सुख जी तुसीं हुणे गल कीती वी घरों इजाजत नहीं मिलदी सीगी, ते घरों फिर इजाजत किवें लई जां तां किन्ना का स्ट्रगल करना पिया? बस इहनूं तुसीं धक्के नाल कह सकदे हो जी, जदों पता लग गया भी हुण नहीं रुकना गा ते बस उस तरीके नाल हो गया। घरदिआं नूं कदों लग्गिआ कि तुसीं हुण नहीं रुकना? नहीं उहनां नूं ते हले भी नहीं लगदा भी इह कुछ कर सकदे आ जां गाउण दे विच कामयाब हो सकदे आ। कई बार मैनू कह देंदे कि बहुत सारे सिंगर जिहड़े नहीं कामयाब होए तो इस करके थोड़ा। सुख जी तुसी थोड़े घर तुसी क्या भी घर देनु हले भी नहीं लगता, तो क्योंकि गायकी नू हर एक गायक का उन्ना स्कोप नहीं है कि वे वो कमाई कर ले या कमाई वाला बन जाए। थोड़े घरद्या की बंदिश है जिहड़ी वो घर के माहौल करके है या घरद्या ने कोई घर दे चाहुंदे भी तुसी कोई होर पढ़ाई वाले पासे जाओ या घर भी कोई होर थोड़े कोई कलाकार हैगा जिहड़ा या कामयाब नहीं हो पाया ये हालात है कोई? मेरे ताया जी सीगे साडी पीढ़ी दे विचों जिद्दां कह सकदे उन्हां नूं, और उन्हां दी डैथ हो गई, उन्हां नूं करतार रमला जी ने गाया ते अपना मम सदीक जी उन्हां ने गाया, कलदीप मानक ने गाया। तुसीं फेमस सौग सुनिया होना गड़ासा गाना, करतार रमला जी का बहुत हिट गाना बोची वे मित्रा कान तो सिटा गड़ासा, वह सौग सिद्धू परिवार के साडे अमरजीत सिद्धू साहब बड़े फेमस राइटर रहे आ, वह बाद च कविशरी लाइन वाल आ गए वह, तो उस तो बाद हुण लिखदे मेरे चाचा जी बूटा सिद्धू साहब उन्होंने भी मिस पूजा नीता समाणा गुरलेज जी उन्होंने गाया, क्योंकि कारण की है भी वह भी उन्होंने जो कामयाबी सी वो मिल नहीं पाई, उन्होंने लगता है भी शायद कितने मतलब परिवार को यह दिक्कत लग रही है, पर मैं अपने आप से तो उस परमात्मा से विश्वास है कि मैं जरूर इस मंजिल को हासिल करना, मैं उम्मीद है तो विश्वास है। सुख जी आप होर गल्लां करिए, उस तो पहले तुसी एक गीत होर साडे दर्शकों के नाल सांझा करो। भाजी मैं तुसी जिदा जिक्र किया भी बहुत सारे सौग आए आ मेरे रिलीज़ होए सौग, उन्होंने विचों दो चार सौग जिहड़े इदां दे जिहड़े फेमस होए आ लोग पसंद करते आ, जिहड़े मैनूं बहुत सारियां कॉलां फॉरन कंट्री अरब कंट्री तो आईयां, उन्होंने विचों एक मॉडर्न मिर्जा सौग है बड़ा प्यार मिलिया, मैं तुहाडे सामने उहदियां दो लाइनां पेश कर लग्गा, उम्मीद करदे कि तुसी उहनूं दिलों सपोर्ट करोगे। मिर्जे जट नू घेरा पै गया ते कोई ना चले पेश, होनी सिर ते शागी जट दे, होनी सिर ते शागी जट दे ते तार काल दा भेस सोनिया, तार काल दा भेस हो तार काल दा भेस हो। सुख जी तुसी जिवें गल कीती सी ना भी मैं चाहुंदा लाभ हीरे वांगू उच्ची गावां, तुसी उवें ही गा रहे हो ते बहुत वधिया गा रहे हो, हिक दे जोर वाला गा रहे हो। सुख जी एक सवाल ना, जदों मैं थोड़े बारे सुनिया सीगा थोड़ा नाम सुनिया है ना, मेरे मन च सवाल आया सीगा भी सुख सिद्धू कनेडा, ते तुसी ये दसो भी सुख सिद्धू दे नाल कनेडा किवें जुड़ गया? सुख सिद्धू कनेडा मेरी इंटरव्यू चलती पी जिदा तुसी कर रहे हो, मेरी लाइव रेडियो ते इंटरव्यू चलती पी सी टोरंटो तो, उहदे विच जो सर्च मारिया सुख सिद्धू बहुत सारे निकलते सी, फिर उन्होंने जिहड़ा दोस्त ने मैनू कॉल की सी वह कहिंदा कि मैं वक्खरा तुहानू नाम देना चाहुंदा है, फिर उन्होंने उहदे बैकग्राउंड कनेडा ला दिता, वह फिर मैं बड़ा कोशिश की भी यार आपां इहनू कट्टीए, पर जो मेरी कितने अखबार से खबर लगती जां कितें भी आ मैनू लुधियाणवी सर है
मैंने कहा सर तुम ये ना लिखा करो, पर कहते नहीं, वो कहते यही रहूगा यही चलूगा हूँ इदा ही रहना चाहिए वा। वो फिर उस तो बाद फाइनल हो गया, बाकी मालिक की कृपा है, जल्दी मैं कनेडा का मेरा रिफ्यूज होया है पहला, तो मैं जल्दी टूर ला रहा कनेडा का। हूँ तुम नाम थोड़े नाल कनेडा जुड़ गया, तो तुम हम कनेडा जाओगे भी, चलो असी साड़ी भी कामना है, अरदास भी है रब अगे कि तुम दुनिया के सारी दुनिया का टूर करो। सुख जी थोनू अज तुसी बहुत नौजवान गायक हो, है ना, मुंडा नौजवान मुंडा है, तो तुम गा रहे हो लाभ हीरे की सोच वागू उच्ची गा रहे हो, तो अजकल दे मुंडियां नू तां इह हैगा भी मैं दो क दिन च उह कोई मैं किसी तो पैसे देवां गीत फड़ा तो पैसे देवां म्यूजिक डायरैक्टर को जावां स्टूडियो च जावां तो कंप्यूटराइज्ड उह करा के तो गाना गा दें। तुसी ये सोच किवें कर रहे, क्योंकि अजकल तो बैकग्राउंड च गीत चला के स्टेज पर गाया जाता, तुसी किवें लाइव गाने वाला सोच रहे हो? चलो हर बंदे दी देखो अजकल नवी तकनीक है, शायद मैनू भी उस चीज़ की ना नॉलेज होवे, तो हर बंदा अपनी सोच नाल, पर मेरी सोच है लम्मा समा चलांगे तो जे कुछ मेहनत करके आवांगे तो थोड़ा लम्मा समा चलांगे, तो शायद जे मेहनत ना करके आए तो थोड़ा टाइम चलांगे, जिदा नेरी दे लफाफे तो उपर उठ जाते हैं, हवा रुकन तो बाद फिर थले डिग जाते हैं। सुख जी थोड़ा भी दिल कर अज तुसी गाने तो सुनते ही होंगे अजकल दे, है ना, नशे वाले गंडासे वाले बंदूकों वाले, तुसी भी कहे ये गीत गाने हो या तुसी नहीं गाते इन गीतों को? नहीं, मैं कोशिश करदा भी हर वर्ग नू मतलब देवा जो भी चीज़ पसंद, पर मैं यही कोशिश करदा भी दायरे दे विच रह के गाया जाए तो बड़ा वधिया है, पर यह चीज़ा भी जिहड़े चंगे गाने आ, क्योंकि साढ़े लोगों के भी कमी है, जे अज कोई बंदा खर्चा कर रहा वा जां कोई कंपनी खर्चा कर रही, वो फिर अपनी मतलब डिमांड कर दी भी थोनू इदा का मैटर थोनू असी थोड़ी वोकल है इदा थोनू मैटर असी देवांगे तुसी ये करना वा। हुण कई कलाकारां दी बहुत मजबूरी है, वो अपनी गल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो उन्हां दे थ्रू चलना पैंदा, मेरे नाल भी कई बार हुंदा इदा दा, सारे नाल हो जांदा क्योंकि फिर उन्हां दी मजबूरी है। मतलब कि धक्के नाल गायकां ते थोपिया जा रहा भी तू मान लो थोड़े कोल पैसा है नहीं, तुसी चंगा गाने हो, तुसी किसी कंपनी को ले जाने हो, तो धक्के नाल तुहानू कहिंदी है भी भाई भी तुसी भाई जे आह गाओगे तो असीं तुहानू करांगे रिकॉर्ड। नहीं, वो कारण हो रहा है क्योंकि उन्हां नू ये है भी जे आपां अज पैसा ला रहे हो, मान लो तुसी मेरे उपर पैसा ला रहे हो, पर तुसी ये सोच के थोड़ी लाओगे कि मेरा पैसा डुब जाए, तुसी यही ही सोच के लाओगे कि जिहड़ा मेरा पैसा है वो दुगना जां तिगना होकर वापस मैनू मिले, वो तां करके फिर जो लोग सुन रहे हैं फिर उही देना कोशिश करते लोगों को। लोग तो सतिंदर सरताज नूं भी सुनते, गुरदास मान नूं भी सुनते, हरभजन मान नूं भी सुनते, है ना, ये नहीं है भी वह जहाँ गाए तो भी पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता, पर चलो खैर तुसी हुणे दस रहे सीगे कि थोड़े नाल भी होया, थोड़े नाल की ऐसा वाकया होया? इदा ही आ भी कोई आप कई बार तो मना कर देईदा है, जिदा कोई सपोर्टड मिल जाता, जिदा थोड़ा आर्थिक पक्ष तो बंदा कई बार डाउन हुंदा है, तो जां हुण जिन्ना जिदा करोना वायरस के करके चल रहा है, क्योंकि सारे सिंगरां दी बहुत ज़्यादा माड़ी हालत हुई है, उहदे विच मैं दसना चाहुंदा भी एक लोक मंच कला जो बनिया होया उहदे विच मैं हलका पंज ग्राई तो प्रधान हाकम बगतड़ी वाला सर उन्होंने लाया गया सी, तो वह यही मुद्दा लैके चले भी जिहड़े अज बेरोजगार सिंगर हो गए आ जिन्हां दी आर्थिक डाउन है उन्हूं उपर चक्कण वास्ते है, तो ये अक्सर हो जाता सारे नाल हो जाता वा, बहुत सारे सिंगर किदा किदा नाम लईए आपां। मैं तो गल कर रहा सी तुसी कहा ना भी मेरे नाल भी ऐसा होया भी ओह की कहिंदे जिस दी गल कीती भी हाँ भी पैसे अगला जे कोई पैसे ला रहा तो वह कहिंदा भी तू बई आईगा थोड़ी आपकी मर्जी का नहीं गाँव दें, तो गल की सी, मैं उस गल की गल कर वो इदा ही ब्रदर भी जिदा हूँ मैं चाहना भी लोग तत् आप कोई करिए कोई मापिया का करिए, फिर अगला जो कोई राइटर अपने उपर खर्च कर रहा है भी अपनी सपोर्ट कर रहा ज कोई डायरैक्टर कर रहा वा, वो ये चीज़ में कहता है कि यार आप चीज़ देवे तो लोग पसंद करे, अगर घर जी आप चीज़ नहीं देंगे दे तो फिर अपना पैसा कितने बेकार ना जाए, भी आप म्यूजिक भी बनाना है फिर वीडियो भी करना है फिर वो प्रमोशन भी करनी है भी कितने अपना मतलब फिर उत्थे सहमत होना, फिर उत्थे आप दे दिमाग में भी सोचना पैंदा है। सुनते सरताज जी हुणां नूं भी हरभजन मान भी गिल हरदीप भी सारे सुनते हैं, पर उन्होंने एक लैवल जिदा बन चुकया वा इस करके। दुख जी आप हुण अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ा दे विच हैगे आ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ VIP ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਮਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਖੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਔੜੀ ਕਦੇ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਏ VIP, ਰੋਕਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਈ, ਉਹ ਫੋੜ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਏ VIP, ਰੋਕਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਈ। ਸੁਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸੁਖ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੀਟ ਸੌਂਗ ਮੇਰਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੌਂਗ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਂਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੈਡੀ ਆ ਬਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਂਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਾ, ਲਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ। ਸੁੱਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਫਲ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਡ੍ਰੀਮਸ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। UK ਤੋਂ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂਹਰਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁੱਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਫੇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਨਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲਰ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।